पीएमसी में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, क्योंकि इलेक्शन आ रहा है, तो मुझे नहीं लगता है कि और कोई टैक्सेस करेंगे। राहत देते हैं कि नहीं वो मुझे नहीं पता, क्योंकि वो सरकार पर निर्भर है, और मुझे नहीं लगता है कि ये कोई बीएमसी बजट में कोई फेरफार ज़्यादा हो कि लोगों को कोई कठिनाई आए, क्योंकि इलेक्शन अभी 2 महीने के बाद ही है, तो मुझे नहीं लगता कि कुछ परिवर्तन आ सकता है। लेकिन रिलीफ सरकार से आएगी, बीएमसी से नहीं। मुझे लगता है कि उद्धव ठाकरे साहब, शरद पवार साहब, बाला साहब थोराज साहब को बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने जो आम जनता है, जो लोगों को छोटे घर हैं, आज के तारीख में एक गरीब तरीके से रहते हैं, तो उनको ये जो राहत दी वो बहुत बड़ी बात है। हर साल, हर 3-4 साल प्रॉपर्टी टैक्सेस बढ़ाते हैं, तो ये प्रॉपर्टी टैक्स रद्द कर दी है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। मैं समझता हूँ कि मुंबई कॉरपोरेशन एक अमीर कॉरपोरेशन है, 70,000 करोड़ उनके बैंक में पड़े हैं, तो ये जो राहत दी वो 5-6 हज़ार करोड़ रुपए की है, तो मेरे अंदाज से उनको कोई कठिनाई नहीं होगी, और सरकार और कॉरपोरेशन भी अच्छी चलेगी, और सब जो उनके प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे अपने कोस्टल रोड है, फ्लाईओवर्स हैं, रास्ते की दुरुस्ती कर रहे हैं अपन। लेकिन एक और भी करना चाहता हूं कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी बताया है कि पानी को रिसाइकल करने की आवश्यकता है, तो वो भी सरकार, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जल्दी कर दें, तो आसपास में हमारे दरिया की पानी जो गंदगी से भरी हुए है उसको भी साफ हो जाए। तो ये मैं उनको मैं एक्चुअली रिक्वेस्ट करता हूँ आपके द्वारा कि कॉरपोरेशन को भी ये रिसाइकलिंग प्लांट और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को लगाना चाहिए, तो हम पानी के कम उपयोग होगा, उनको रिसाइकल भी कर सकें, और हमारे आसपास में अच्छा वातावरण रहेगा। मैं छोटा था तभी मैं जुहू, वर्ली और वगैरह वगैरह स्विमिंग करने जाता था, लेकिन अभी आप नहीं जा सकते हैं क्योंकि दरिया की पानी इतना साफ नहीं है, तो मैं समझता हूँ ये हम करेंगे तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। बहुत बहुत बधाई, बहुत धन्यवाद। Thank you.